अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये व्लॉग है, बहुत ही दिन से मैं सोच रही थी PNN मॉल का व्लॉग डालने को, तो फाइनली मैंने ये डाल ही दिया है। और मैंने ये विज़िट किया था कल यानी सैटरडे को, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा मतलब पूरा कवर किया है मॉल का, इतने सारे शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, और तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इनफैक्ट आप घूम कर के ही आ जाइएगा। है जी बाहर का एरिया, इतना स्पेस है और वहाँ पार्किंग भी है। हमें पार्किंग नहीं मिली थी जबकि हम सैटरडे को गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो सिक्योरिटी चेकिंग एंड एवरीथिंग, मास्क एंड एवरीथिंग, कोविड गाइडलाइंस सारा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आके सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बैग्स वगैरह आपको चक्कर आने रहते हैं। बिग बाज़ार था, अब स्मार्ट बाज़ार खुलने वाला है रिलायंस का, एंड यू कैन सी द मॉल जो एक्सट्रीम क्राउडेड है। गाइज यहाँ की साड़ी की कलेक्शन ऑसम, जस्ट ऑसम। मैंने एक दो साड़ी निकलवा के देखी थी और ऐसे बाय द लुक आपको सारी रेंजेस एंड सभी वैरायटीज़ की मिलेंगी। और यहाँ पे सूट्स वगैरह में 30% ऑफ भी थे, तो मौका लगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये सारे शॉप्स मिल रहे हैं।
साथ बैग। तो अपस्टेयर्स में सबसे टॉप पे है सिने पॉलिस एंड वी आर गोइंग देयर नाउ। काफ़ी टाइम हो गया है और शॉपिंग हो गया है कंप्लीट हमारा। सो यहाँ पे दीपा और एरिया ऑल है, ऊपर है वहाँ पे दीपा है। शॉपिंग हो गया कंप्लीट, अभी बस वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। अभी हम इन पर फूड कोर्ट में जी। बस इसके लिए बच्चों को मॉल आना बहुत ज़्यादा पसंद है, हाउस ऑफ कैंडी है यहाँ। तो अंजला तो मतलब कि उसके दिमाग में यही आता है कि हाँ मॉल चलेंगे क्योंकि वहाँ से कैंडीज खरीदनी। फिर ये यहाँ पे पेडिक्योर वगैरह हो रहा है फिशेज़ के थ्रू,
और ये है एक सेक्शन जो कि फुली डिवोटेड है बच्चों के लिए, और इनफैक्ट कुछ कुछ यहाँ पे बड़ों के भी गेम्स हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या अच्छा टाइम स्पेंड कराना चाहते हैं तो यू कैन कम हेयर। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत तरह की यहाँ पे वीडियो गेम्स हैं, और छोटे बच्चे के लिए भी है, बड़े बच्चे के लिए है। तो अंजिला खासकर तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है जब यहाँ आती है। ये कोविड के टाइम में ये सब सारे बंद हो गए थे, इस बार हम गए तो ये ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रश है, तो जनरली वीकेंड्स पे ऐसा ही रहता है, तो अवॉइड कीजिए इफ़ यू कैन। और अगर आपको जाना भी है ना तो थोड़ा सवेरे जाए कीजिए। हम लोग 6 o'clock के बाद गए थे इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ। और अगर आपको BNM मॉल का ब्लॉग पसंद आया है तो क्या करना है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना है। और डू कमेंट डाउन बिलो कि हाउ डिड यू फाइंड दिस ब्लॉग, डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और बोरिंग, वॉट एवर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।